जम्मू कश्मीर में दो बड़े आतंकी हमले हुए हैं। बारामूला में हुए आतंकी हमले में दो जवान और एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं और तीन अन्य सुरक्षा कर्मी घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने देर रात 2:30 बजे बारामूला में ख्वाजाबाग में सेना के एक काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें दो जवान शहीद हो गए और दो अन्य घायल हो गए। वहीं सुरक्षा कर्मियों का एक वाहन भी इसकी चपेट में आ गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी शहीद हो गया, जबकि एक अन्य पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर है। दूसरी तरफ पुलवामा जिले में मंगलवार रात एक पुलिस चौकी पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंके, जिससे कम से कम 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि रात करीब 8:50 पर काकापुरा पुलिस चौकी पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड अहाते के भीतर फटा, जिससे 5 पुलिसकर्मी मामूली रूप से जख्मी हो गए हैं। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी कुछ घुसपैठियों ने भारत में प्रवेश की कोशिश की थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। वे इस दौरान CRPF कमांडेंट प्रमोद कुमार शहीद हो गए, जबकि 5 अन्य जख्मी हो गए थे। तो सीमा पार से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। 3 दिनों से जारी घटनाओं में हम अपने 4 सुरक्षा कर्मी खो चुके हैं, जबकि 10 से ज्यादा जवान जख्मी हैं। देखते रहिए DB Live।